जिले के लिए नहीं पूरे चंबल के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस बार जो भिंड जिला बागी और बेहड़ों के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इस जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। इस वक्त जो UPSC का रिजल्ट घोषित होने के बाद भिंड जिले के इकलौते एक ऐसे शख्स हैं जिनका चयन हुआ है, जानना चाहेंगे कौन सी रैंक मिली है, क्या रैंक रही है, क्या नाम है? मेरा नाम दीपांशु शुक्ला है जी। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई भिंड से की है, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल से की है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से की थी। उसके बाद मैं निरंतर इसी प्रयास में था कि मैं कहीं अच्छी सर्विस में जाऊँ और अपने शहर का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँ। उसके बाद मैंने फिर 2-3 परीक्षाएँ, मुख्य परीक्षा जो भारत जो इंजीनियरिंग के बाद काफ़ी प्रिवेलेंट है इस समय, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस, उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, और फॉर्चुनेटली कि मेरा मतलब गेट में भी अच्छा रैंक आया और इंजीनियरिंग सर्विस में, और इस साल मुझे रिजर्व लिस्ट के थ्रू मेरी 9th रैंक आई है पूरे ऑल ओवर इंडिया। ऑल इंडिया है। अच्छा दीपन जो, मैंने सुना है आपके बारे में कि आपका NTPC में सिलेक्शन हुआ था, उसको आपने क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि NTPC एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है काम करने के लिए भारत के नवरत्नों में। हाँ, नवरत्ना तो मतलब ऐसा है थोड़ा, मतलब फिर भी एक मीडियोकर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ NTPC बात करेंगे, पर NTPC तो महारत्ना कंपनी है। उसमें मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर चयन हो गया था, पर फिर मुझे लगा कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, तो उस दौरान मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरा लक्ष्य शायद और कुछ है, मुझे और कुछ प्रयास करना चाहिए, तो मैंने इस वो छोड़ के इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रयास किया और यहाँ पे आज मैं सफल हो गया हूँ, तो काफ़ी खुशी हो रही है अपने उस डिसीजन को भी लेकर, और सब बढ़िया है अभी तो। दीपांशु, मैंने सुना है कि आप अपने दैनिक जीवन में ना तो कहीं बाहर ज़्यादा घूमना फिरता रहता है, ना सोशल मीडिया से ज़्यादा आपका लगाव है, जबकि यूथ इस समय सोशल मीडिया पे इस समय बहुत हावी है और लगातार क्रांति मचा दी है। यूथ हैं कि यूथ ने इस समय सोशल मीडिया पे क्रांति मचा दी, लेकिन आप इन चीज़ों को अवॉइड करते रहे, उन यूथों के लिए क्या संदेश है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, या मैं तो ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया तो एक मतलब रेवोल्यूशनरी आइडिया है, जिस मतलब 2014 के बाद तो जिस तरीके से पेनिट्रेट किया है इंडिया के टियर 2 टियर 3 सिटीज़, भिंड जैसे सिटीज़ में सोशल मीडिया जैसे ही पेनिट्रेट किया है, एजुकेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अब ये तो इंडिविजुअल पे है, पैसों का यूज अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, बुरे काम के लिए भी। तो सोशल मीडिया तो मैं मानता हूँ कि अगर शिक्षा के बराबर अगर आज कोई चीज़ है तो वो सोशल मीडिया ही है। ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे करना है। आजकल तो 70-80% सारी एजुकेशन सोशल मीडिया से ही होती है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई ऐप हो, बहुत सारे बिजनेस टाइकून भी आ जा, देखो एंटरप्रेन्योरशिप देखो, सोशल मीडिया की वजह से पॉसिबल है जी। तो सोशल मीडिया ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई गंद खराब चीज़ है या इसको अंडर यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से बस एक राइट डायरेक्शन में अगर इसका यूज़ किया जाए तो ये रेवोल्यूशनरी थिंग हुई है जो इंडिया में, और डेटा पैकेज जो इतने सस्ते हुए हैं, मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रोल था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपका पड़ाव है कि ये आपकी मंजिल है? नहीं, ये तो सिर्फ एक बोलते ना, ये सक्सेस के टुवर्ड से एक सब सिर्फ एक स्टेप है, एक पड़ाव ही है, क्योंकि अब मैंने आज से 4 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस दूंगा या ये करूंगा, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा था, और आज भी मैं इसको सिर्फ ऐसे पड़ाव ही लेता हूँ। ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन अल्टीमेट अकम्प्लिश जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं हो गया हूँ, शायद वो मेरा आखिरी स्टेप होगा, और वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी सर्विस या कोई सोशल सर्विस में जाते हैं तो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है या क्या अचीव करना है, वो इवोल्यूशन होता रहता है आपका। जैसे ही आप एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे दर्शकों को बता सकते हैं दीपांशु शुक्ला के अंतिम लक्ष्य क्या है? अभी तो ऐसा सच कोई अंतिम लक्ष्य अभी तो ऐसा कोई दिमाग में है नहीं कि कुछ अगर कुछ हुआ, अगर आगे कुछ मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो डेफिनेटली, अभी तो ऐसा मेरा कोई अभी अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम सवाल है, इस श्रेय में आपकी जो उपलब्धि है इसमें आप किसको श्रेय में देंगे? सारे समाज को। मैं तो, मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी भिंड से हुई है, तो मैं अपने स्कूल्स को जहाँ मैं
सेंट माइकल और आईपीएस दोनों जगह पढ़ा, और मेरे माता पिता और मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग था हमेशा, उनने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मतलब इरिस्पेक्ट ऑफ मेरे मार्क्स कितने भी आते रहे हों, कितने कम ज़्यादा, ये कभी उनको ये बॉदर नहीं की चीज़ कि क्या होगा आगे कैसे होगा, बस हाँ कॉन्फिडेंस था कि हाँ एक दिन कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो बस मेरे स्कूल, मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन जितने लोग हैं, और मेरे कॉलेज का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैंने वहाँ जब देखा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये सब भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब वहाँ लोगों को देखा कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई थी कॉलेज में, जब कोई देखते थे कि हाँ इसका सेकंड रैंक आया है, इसका थर्ड रैंक आया है, तो ऐसा लगता था काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है या कुछ करने लायक ही नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। तो इन सारे लोगों का समर्थन रहा मुझे। अच्छा, एक अंतिम सवाल और दिमाग में आ गया, मैं जानना चाहूँगा कि इस समय जो हमारी भिंड के पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, लगातार लड़के प्रयास कर रहे हैं, लगातार मतलब तैयारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में प्रवेश भी पा रहे हैं, लेकिन कुछ गरीब तबके भी, सामान्य वर्ग के भी बच्चे हैं, वो इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एक सूक्ष्म छोटी सी एडवाइस क्या है? क्योंकि आप काबिल हैं और आपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है, तो इसके लिए तो अगर कोई ऐसी परीक्षा अगर किसी को भी क्लियर करनी हो, तो इसके लिए तो अगर आप सोचें कि आप एक समाज से आते हो या एक कोई जाति वर्ग विशेष या कोई जेंडर बायस हो कि लड़का कर सकता है लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का समाज इतना ओपन है और इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको मतलब एक दो चीज़ें तो दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जितने ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जो आप बच्चों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको आप इंटरेक्ट होंगे उनके साथ, लेकिन उनको अपने जीवन में कितनी अहमियत देनी है उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद वही बेसिक किताबें होती हैं, वही सारे लोग पढ़ते हैं, पर डिपेंड ये करता है आप कितनी बार पढ़ सकते हैं उन सब किताबों को, क्योंकि पढ़ाई, ऐसा बोलते हैं लोग कि मेरा पैशन होता है, पढ़ाई किसी का पैशन नहीं होता, वो सिर्फ एक डिटर्मिनेशन होता है अंदर से कि अगर आपने सोचा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही बोरिंग काम होता है पढ़ाई, तो आपको वही चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, बार बार पढ़नी पड़ेंगी, आप फेल होंगे, फेलियर ऑफ पास तो एक मूवमेंट होता है, आप उस मूवमेंट में या फिर सोच सकते हैं यार मैं तो इस चीज़ के लिए बनाई नहीं हूँ, या फिर उससे थोड़ा कुछ सीख के आप आगे फिर से प्रयास कर सकते हैं, और अल्टीमेटली तो सक्सेस तो फिर एक आउटकम रह जाता है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का अकम्पलिशमेंट बाई प्रोडक्ट होता है, तो पास और फेल और सक्सेस और फेलियर तो एक सिर्फ बाई प्रोडक्ट है, आपकी आपकी मेहनत हमेशा आपको कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह पहुँचा ही देगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपांशु का जो तात्पर्य है वो ये है कि चिट्ठी जैसा प्रयास होना चाहिए, सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है पहली बार असफल हुए हैं तो कोई असफलता ये बताती है कि सफलता के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं किया। आपने सोचा था कि यहाँ तक ये पहुँच जाएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ, और मैंने तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि परमात्मा ने यहाँ तक बेटे को पहुँचाया, और बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ में, और बच्चा की मेहनत और लगन है जिससे यहाँ तक पहुँचा। बताते दीपांशु कमरे में बैठ के करीब 7-7 घंटे तक अंदर रहते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे घर में, सुनने में आ रहा है, क्या ये सही बात है? हाँ, बच्चे हमारा बेटा छोटे मतलब बाहर नहीं निकला, वो जैसे क्रिकेट का शौक है तो घर पे आंगन में अकेले खेलता था, और खेल के जब हम बुलाए कि चलो दीपांशु तो आके चाय पियो, चाय पी के फिर ट्यूशन वाले आ गए सर पढ़ने लगा। सबसे ज्यादा बात किसकी मानता है दीपांशु? दोनों लोग है, दोनों की मानता है, मुझसे सारी बातें कहता है, पापा जो कहेंगे पापा की बात माने, वो मुझसे शेयर करेगा कि मम्मी ऐसा कर लूं, तो मुझको कर लो बेटा, कर लिया मम्मी, वहाँ से एनटीपीसी छोड़ जाऊं नहीं तो मेरा खत्म हो जाएगा, एनटीपीसी में ही रह जाऊंगा। तो मैंने कहा कि छोड़ जाओ बेटा, कुछ नहीं है, तो ये नौकरी तुम्हारी आखिरी थोड़ी नहीं, हम लोग तो हैं, बस आ गया। पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस समय एनटीपीसी छोड़ के आए थे उस समय आप भावुक हो गए थे, आंखों से आंसू भी आए, सुनने में आए, माँ का, माँ ने अंडरग्राउंड अंडर सपोर्ट दे दिया था जी। आज ये खुलासा हुआ न्यूज 18 पे, क्या कहने? बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत जी। आज जो हिम्मत और धैर्य मुझे दिलवाया था, मैं जब ये एनटीपीसी में मैं गया था, मैं प्लेन में कभी नहीं बैठा, हमारे पिताजी नहीं बैठे, हमारे बाबा नहीं, हम दोनों लोग बच्चों ने प्लेन से ले गए दिल्ली से घूमने से, फिर वहाँ से प्लेन से वापस लाए, फिर इन्होंने भैया ने मुझे फ़ोन किया दीपांशु ने, पापा मैं एनटीपीसी छोड़ रहा हूँ, तो मैंने पूछा, अपने अधिकारियों से पूछा, कलेक्ट्रेट बोला वो महारत्ना है क्यों छोड़ रहे हैं, फिर मैंने इनसे चुपचाप, एक अधिकारी थे बोला नहीं उसको समझाओ,
बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, छोड़ देगा तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, फिर भी मालूम पड़ा आज बगैर रिजाइन दिए वहाँ से चले आए, तो फिर हमने मतलब हमारा नर्वस हो गया, हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा नौकरी, अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी तुमने छोड़ दिया, तो फिर हमें नर्वस हो गए, हमने अब हमारा ये थोड़ा डिसमिस हो गए, हमने जो लोग कहते हैं दिमाग से सरक गए, हमने ये सरक गए, इसलिए ये छोड़ के चले आए या दूर के वजह से छोड़े आए, मैंने सोचा कहीं ऐसा नहीं घबरा गए हो अकेला, दूर अकेला रहना अकेला, तो फिर हमें बड़ा बेटे को आप क्या देखना चाहते हैं? नहीं बेटे का जो हमारा अंदर का लक्ष्य होगा वो जिसका भी लक्ष्य होगा पूर्ण करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, जो चाहेगा वो पाएगा, मुझे उसकी काबिलियत, उसकी हिम्मत, उसका धैर्य, मुझे पूरा विश्वास है, जो भी चाहेगा वो अपने शिखर पर पहुंचेगा। दादा से भी बात करेंगे, दादा दीपांशु के बारे में कुछ बताएंगे आप? गगन सर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे ये उपलब्धि जो हासिल हुई है भिंड के लिए, इसको क्या देखते हैं आप, क्या माने? भिंड के लिए वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दीपांशु का सिलेक्शन तो हुआ ही है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन दीपांशु ने वो लाइन खोल दी है जिससे कि कई सारे बच्चे और मोटिवेट होंगे। मैं समझता हूँ दीपांशु के सिलेक्शन से कई सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो रहे हैं, उनके लिए भी एक लाइन बनती है कि हमारे पास का हमारे अपना बच्चा जब इतनी अच्छी स्थिति में आ सकता है तो हम क्यों नहीं। तो दीपांशु ने एक नई लाइन का एक नई लकीर खींची है, तो हमारे भिंड के लिए ये बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरे चंबल संभाग में इनको खेल के जगत में एक अद्भुत काम करने की जो बीड़ा भिंड शहर में इन्होंने उठाया था, और लेकिन उसको अमली जामा भी पहनाया, शुभकामनाएं देने आए हैं, क्या कहेंगे आज, क्या आप लोग सोचते थे ये चीजें भिंड से भी निकलेंगी इतनी प्रतिभाएं? हाँ, ये मैं आज से 30 वर्ष पहले ऐसा सपना देखता था, काश हमारे भिंड जो बदनाम है, डकैतों के लिए जाना जाता है, बागियों के लिए पहचाना जाता है, तो उसकी पहचान बदलने के लिए यहाँ का युवा आगे आए और कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पहचान हो, और खेलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, ओलंपिकों तक बच्चे गए। अब उससे पहले UPSC MPPSC में बच्चों ने कड़ी से कड़ी जोड़ करके निरंतर प्रतिवर्ष बच्चे निकल रहे हैं, तो एक कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक हार बन रहा है चंबल का, और ये एक चंबल की पहचान को बदलने में सहायक हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम पे इन बच्चों की देख करके कई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो भिंड का जो कलंक है वो पूरी तरह से मिट जाएगा, और शिक्षा और खेल से, क्योंकि ऊर्जा यहाँ भरी पड़ी है, तो शिक्षा और खेल के जरिए और अन्य कला में जा करके बच्चे भिंड का नाम रोशन करेंगे, और भिंड की पुरानी छवि जो कुछ गलत कार्यों में जाने की वजह से, गलत दिशा में जाने की वजह से बिगड़ गई थी, वो पूरी तरह से फिर से सुधर जाएगी, और जो मूल स्वरूप है चंबल का जो वीरता के लिए जाना जाता है, वही पहचान फिर से एक बार आएगी, और चंबल हमारा सबसे श्रेष्ठ विश्व में होगा, ऐसी हमारी कामना है, और इन बच्चों की वजह से ही ऐसा संभव हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ, और शब्दों में बच्चे की इस कामयाबी को शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता हूँ, इनकी अपार मेहनत होती है, बरसों की तपस्या होती है, तभी ये फल मिलता है। जी।